यूनिट नंबर थ्री भी फर्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन भी लिख लीजिए. इट इज द अपोजिंग फोर्स, इट इज द अपोजिंग फोर्स कम इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी भी. व्हेन बॉडी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी. देखिए ये कोई बॉडी है और ये चल रही है भी इस डायरेक्शन के अंदर भी, ठीक है. तो इसको अपोज करने के लिए फोर्स आ रहा है, अभी ग्राउंड दे रहा है उसको फोर्स को, वो कौन सा है? फ्रिक्शन भी. याद रखिए ये जो पी लिखा है मैंने, इट इज फॉर अप्लाइड फोर्स भी. अप्लाइड फोर्स. और ये जो एफ लिखा हुआ है ये फ्रिक्शन है भी. यानी अभी जो हम करेंगे ना उसमें जो एफ लिखा जाएगा इट इज फॉर फ्रिक्शन नॉट फॉर अप्लाइड फोर्स. अभी तक हमने एफ किसके लिए लिखा था? फोर्स के लिए लिखा था. इट इज फॉर अप्लाइड फोर्स. पी किसके लिए है क्लास? अप्लाइड फोर्स के लिए. और एफ किसके लिए है? फ्रिक्शन के लिए. तो डायग्राम में कुछ दिख रहा है आपको कि मेरा फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के उल्टा है भाई? यस और नो? या फ्रिक्शन हमारे मोशन के उल्टा है? बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. यस और नो? लिख लीजिए इस बात को. फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी. और डायरेक्शन ऑफ मोशन कर पाओगे? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा उसके क्या मिलेगा? उल्टा मिलेगा भैया. तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन क्या करता है? हमारे यूनिट मोशन को अपोज करता है. लिख लीजिए, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी भी. फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी. रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी कर पाओगे? फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है बता सकते हो? फ्रिक्शन क्यों हुआ अभी? मोशन से तो वक क्यों हुआ? कैसा क्या हो गया कि उल्टा फोर्स मिल गया मेरे को एक, जो हमारे मोशन को अपोज कर रहा था? इसके दो व्यू हैं अभी, एक पुरानी बातें एक नई बातें, देखना पड़ेगा. पुरानी बातें क्या बोलती हैं? पहला पॉइंट लिखिएगा, ओल्ड व्यू भी, कि पुराने लोग क्या बोलते थे फ्रिक्शन क्यों हुआ अभी. ओल्ड व्यू देखो भाई, जो पुराना व्यू है ये बोलता है कि जब बॉडी, दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी, कोई दो बॉडी भी, क्योंकि जब मोशन तभी होगा फ्रिक्शन, तो एक सरफेस होगा एक बॉडी चल रही होगी. जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो ये बताया गया कि कोई भी बॉडी स्मूथ सरफेस नहीं हो सकती भी. हर बॉडी के पास क्या होते हैं? इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेसेस में. चलो माइक्रोस्कोपिक हो, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखो ना, बेंच को देखोगे लगता है कि प्लेन है, एक्चुअल प्लेन नहीं है. इसमें क्या मिलेंगे आपको? इरेगुलरिटीज मिलेंगे. तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता अभी. ओल्ड व्यू बोलता है कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता. एक सरफेस उन्होंने ये बनाया, इट हैव सम इरेगुलरिटीज. ये सरफेस ए है भी, या बी मान लेते हैं. जब इसके कॉन्टेक्ट में बी सरफेस, ए सरफेस आ जाएगा, वैसा हो सकता मे बी. ये ए, ठीक है. तो क्या हुआ, मेरा हाथ है, ये उंगलियां क्या हैं इसकी? इरेगुलरिटीज हैं. ये हाथ है इसकी, ये उंगलियां क्या हैं? इरेगुलरिटीज. ये इरेगुलरिटी आपस में क्या होगी? इंटरलॉक होगी भी. समझ में आ रहा है? अब इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है उल्टी डायरेक्शन में. वही क्या है? फ्रिक्शन है. समझ में आई कि नहीं आएगी? जो इरेगुलरिटीज बनी हुई हैं सरफेसेस के अंदर, वो आपस में क्या हो जाती हैं? इंटरलॉक हो जाती हैं अभी. उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा में, वो क्या है? वो फ्रिक्शन है, बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, तोड़ने, ये रोक रहा है इसको, ये पीछे रोक रहा है ना, तो उसको तोड़ने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वही क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ये ओल्ड व्यू है. समझ में आई बात है? डायग्राम बनाओ.
कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, फिर भी हम क्या करते हैं उसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर लेते हैं, पॉलिशिंग पॉलिशिंग करके बिल्कुल स्मूथ, देखें क्या आंसर आएंगे। ठीक है, हो गया। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू एवरी सरफेस हैव सम irregularities, 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 डालिए ब्रैकेट में, डाल लीजिए रफनेस भी, रफनेस को बोलते हैं रफनेस। एवरी सरफेस हैव irregularities, ओके। आगे लिखिए, when two surfaces come into contact, then these irregularities are interlocked। वो क्या हो जाएंगी, इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी भी, यस और नो, आपस में फंस जाएंगी। ठीक है, दिस इंटरलॉकिंग अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी एंड इट इज फ्रिक्शन भी, यही फ्रिक्शन है भी। कर लोगे, यस और नो? तो ये ओल्ड व्यू है भाई। अब प्रॉब्लम है, ये लगता तो सही है देखने में सुनने में, एक्चुअली उसमें लिमिटेशन आ गई भी। देख लीजिए, लिमिटेशन इन ओल्ड व्यू, लिमिटेशन इन ओल्ड व्यू, ओल्ड व्यू में लिमिटेशन, तो ये नहीं है क्लास, ये बिल्कुल गलत है भाई, कुछ कमियां तो हैं इसमें। क्या कमियां लगी इनको भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुए हैं फ्रिक्शन के ऊपर भी, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया गया कि ऐसा हुआ होगा भी, तो एक्सपेरिमेंट से निकला गया तो बिल्कुल सही होगा, तो मान के चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया है तो अच्छा कौन सा है, एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पहला पॉइंट क्या सामने आया अभी, इमेजिन करो इसकी स्मूथनेस को ख़त्म कर दें अभी, एक्स्ट्रा स्मूथ करते हैं सरफेस इसको, एक्स्ट्रा स्मूथ इसके बिल्कुल ही ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं इसकी जो ये रफनेस बनी हुई है इसमें। कर लोगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा भी, घटेगा भी इसके ऊपर तो घटेगा, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस हैव हाईएस्ट फ्रिक्शन में। और कुछ अलग लग रहा है टॉपिक्स, लिख लीजिए पहला पॉइंट डालिएगा, when surface in contacts are extra smooth, then according to old view, Friction is reduced. Yes or no? जब smoothness करेंगे interlocking नहीं बनेंगी, हम ये लगता हमको, yes or no? जब interlocking नहीं बन रही तो सर friction क्या होगा, कम होना चाहिए। But it is experimentally proved that extra smooth surfaces have highest friction भी, extra smooth surfaces have highest friction। समझ में आई बात है? कि एक्चुअली प्रूव हो चुका था कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस के पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है भी। कर लोगे सेकेंड पॉइंट भी,
सेकेंड पॉइंट भी देखिए, अब जितना ज़्यादा एरिया यूज कराया जाएगा अभी उतने ज़्यादा इंटरलॉकिंग बनेंगे, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए। एरिया बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए अभी, ओके, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो यही है। बट इट इज प्रूव्ड दैट कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरियाज, भी एरिया डिपेंड ही नहीं करता अभी। देख लीजिए, लिखिए व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, भी व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रिक्शन इज इंक्रीज, फ्रिक्शन इज इंक्रीज। बट इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, बट इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, सरफेस एरिया भी डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता अभी। यस सर नो, ये कर लेता हूँ तो दिखाएगा, हाँ कंपेरिजन हो रहा है भाई कुछ ना कुछ, ओके। क्लास मॉडर्न व्यू क्या बोलता है फ्रिक्शन का, मॉडर्न व्यू क्या है अभी जो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि बताया अभी इसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है एक्चुअल में, ये फ्रिक्शन का रीजन वो नहीं है जो हम बोल रहे हैं, अभी हो सकता है एक पॉइंट पे आके, लेकिन वो नहीं है अभी उससे, क्योंकि सारे पॉइंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहे अभी, ठीक है। अब देखिए, जब आप अपने हाथ को रखते हो उसके रेत के अंदर भी, देखा कभी yes, मेहंदी लगा के दीवार पर लगाते हैं हम लोग yes, करते नहीं है, तो क्या पूरा एरिया कवर होता हमारा हाथ का भी no, क्या अवस्था है yes, बीच में खाली जगह बच जाती है। सेम पैर से भी होता है, पैर रखते हो कीचड़ में तो एक सर खाली जगह बजाती है वहाँ से, यस सर ना, तो आपको लगा कि पूरा हाथ रखा मैंने, तो एक्चुअल में कॉन्टेक्ट में तो बहुत कम एरिया आया अभी फर्श के साथ, भी इस बोर्ड के साथ, सही है कि नहीं है। यानी आपने जो हाथ रखा है वो आपका एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया नहीं है अभी, वो तो कुछ हो रहा है, पूरा एरिया उसके अपन लोगों ने, तो आपको लगता है कि पूरा हाथ रखा होगा, ऐसा नहीं है भाई, जो उठाओगे तो जगह बची पाएंगे खाली, तो क्वांटिटी एरिया तो बहुत कम है अभी। इन्हें बोला कि ये पक्की बात है अभी, हर सरफेस में क्या होती है रफनेस होती है अभी, जब वो क्वांटिटी में आते हैं ना तो सारा एरिया सारा सरफेस क्वांटिटी में नहीं होता अभी, उसे कुछ पॉइंट ही किस में होते हैं कॉन्टेक्ट में होते हैं। कर लोगे देखो कैसे लिखा, इसमें भी क्या थी दो सरफेस यूज किए, अरे पक्की बात है भाई, ये तो पक्की बात है कि हर सरफेस में क्या होती है रफनेस होती है अभी, कितना स्मूथ कलर बच जाती है कुछ ना कुछ, तो कर लोगे। अब नेक्स्ट सरफेस रखा गया, उसने बोला कि जब हम रखा लगा के सरफेस रख दिया तो पूरा एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं है वे, उसका कुछ पार्ट ही किसमें है कॉन्टेक्ट में, पहले तो पूरा बना दिया था पूरा एरिया कॉन्टेक्ट में आया हुआ है, ऐसा नहीं होता भाई, क्या होता है कुछ पॉइंट ही किसमें आते हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं, यस और नो, हाँ हो सकता है कि सारा एरिया आ जाए तो क्या हो जाए इंटरलॉकिंग बन जाए भाई, क्या प्रॉब्लम है, मैं उस पॉइंट को गलत नहीं मान रहे हम लोग कि उसमें लिमिटेशन है भाई, वो गलत नहीं है, इंटरलॉकिंग भी क्या हो सकता है फ्रिक्शन की वजह हो सकती है, ये चीज हर बार तो होते नहीं है, कर लोगे। अब क्या हुआ देखिए, इन पॉइंटों के ऊपर कॉन्टेक्ट में आए हुए हैं, आपको लगा कि पूरा एरिया, लेकिन तीन पॉइंट ही किस में आए हुए हैं कॉन्टेक्ट में आए हुए हैं, कर लोगे। आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है, प्रेशर क्या होता है फोर्स बट एरिया, री पढ़ा हुआ है कि एरिया कम कर दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा अभी उस पॉइंटों के ऊपर, यस और नो, फोर्स तो वही है वेट बॉडी का लग रहा है, यस और नो, तो फोर्स वही है, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इन पॉइंटों पे प्रेशर क्या है ज्यादा है भाई, यस और नो। अब इन पॉइंटों पे प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे अभी, उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड हो गया अभी, वेल्डिंग सुना है वो हॉट वेल्डिंग होती है गर्म करके जो चीज़ जोड़ते हैं, ये क्या है कोल्ड वेल्डिंग हुई है, किसकी वजह से प्रेशर की वजह से हुई, कर लोगे तो ये क्या बन गया यहाँ पे कोल्ड वेल्ड हो गया अभी, चिपक गए थे मान लेते हैं। अब इस कोल्ड वेल्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है मेरे को, फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ये वजह किसकी हो सकती है फ्रिक्शन की वजह हो सकती है, तो एक पॉइंट ये भी है, ये भी हो सकता है,
अब क्या ये व्यू उन पॉइंटों को सेटिस्फाइड कर रहा है जो मैंने पट वहाँ पे देखे हैं? पहला पॉइंट क्या था वहाँ पे लिमिटेशंस का, कि एक्स्ट्रा स्मूथनेस सरफेस का क्या हो रहा था, फ्रिक्शन बढ़ रहा था। ये अनएक्सपेक्टेडली प्रूव किया है इस चीज़ को, क्या इस ये मॉडर्न भी उन पॉइंटों को साबित कर पा रहा है? अब एक्स्ट्रा स्मूथ कर दी सरफेस मैंने भी, क्या कॉन्टेक्ट फोर्स बढ़ जाएंगे भी स्मूथनेस करने से? बढ़ जाएंगे भी, ये स्मूथ हो जाएगा, ये भी बॉडी क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी, हमें बॉडी टच हो जाएगी। क्या ये कोल्ड वेल्डिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे? क्या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, इनको तोड़ने के लिए मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। अगर रफनेस ज़्यादा है तो कोल्ड वेल्डिंग कम है भाई, रफनेस कम है तो कोल्ड वेल्डिंग ज़्यादा हो रही है भाई। यह सर ना, तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। दूसरा पॉइंट ये था कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, कर रहा है ये डिपेंड? नहीं कर रहा भाई, ये डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी, एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है ना, कि कितना एरिया हमारे पास। पाँच मीटर स्क्वायर की एक टेबल है, उसमें हम कितना टच कर रहे हैं, उस पर कितना लेटे हुए हैं, वो उस फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी कितना टच कर रही है उस एक्चुअल में उसके साथ भी, उसके साथ फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और टेबल का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा हम लोगों भी, और वो कितना एक्चुअल में कॉन्टेक्ट में आया हुआ है बॉडी के साथ भी, उस पर डिपेंड कर रही होती है। कर लोगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, बट इट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। समझ में आया? ये जरूरी नहीं है जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे, कोई जरूरी नहीं है भैया, कम भी हो सकते हैं अगर अपने ज़्यादा हो तो। यस सर नो, समझ में आई बात है? डायग्राम बनाओ भाई, बना लिया, देख लीजिए, लिखो व्हेन टू सरफेस आर कम इनटू कॉन्टैक्ट भी, व्हेन टू सरफेस आर कम इनटू कॉन्टैक्ट देन देर आर ए, देखिए देन देर आर ए फ्यू पॉइंट्स, there are a few points on which there are the few points on which surface are in actual contact with, surface are in actual contact। आपको लगता है कि पूरा सरफेस कॉन्टेक्ट में, एक्चुअल में क्या हो रहा है? कुछ पॉइंट ही किसमें है? कॉन्टेक्ट में है। यस आर नो? देख लीजिए, ड्यू टू स्मॉल एरिया प्रेशर इज इंक्रीज भी, ड्यू टू स्मॉल एरिया प्रेशर इज इंक्रीज। ये लिखो फार्मूला प्रेशर का साथ में, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, ड्यू टू स्मॉल एरिया प्रेशर इज इंक्रीज। समझ में आई? अब इससे क्या होगा, इन पॉइंटों पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ गया भाई। बढ़ने से क्या होगा, तो मॉलिक्यूलों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे मॉलिक्यूल्स उनके। कर लोगे तो लिख लीजिए, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस आर कोल्ड वेल्डेड भी, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस आर कोल्ड वेल्डेड। ओके, दिस कोल्ड वेल्डेड इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन भी, दिस कोल्ड वेल्डेड इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन भी। समझ में आई बात? कर लोगे, दिस कोल्ड वेल्डेड इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन।